Hello students, my name is Shivji Lal Saini. I am from Government Polytechnic College, Bundi. आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. तो चलिए इसे समझते हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल की. थ्री फेज इंडक्शन मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर. ठीक है, स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी होता है और रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है. ठीक है, स्टेटर में अंदर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं और इन स्लॉटों में स्टेटर वाइंडिंग की जाती है, थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है. ठीक है, और सप्लाई इसको स्टेटर में दी जाती है. यह है रोटर. रोटर्स में ऊपर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है, और उनमें एल्यूमिनियम या कॉपर के बार्स रखे जाते हैं. इन बार्स को दो एंड रिंगों द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है. ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, ये दोनों इंडक्टिवली जुड़े होते हैं. ठीक है, चलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत सिंपल होती है. इसमें कोई कम्यूटेटर नहीं होता, न इसमें कोई आर्मेचर रिएक्शन होती है डीसी मोटर की तरह. इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है. ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी गुड होती है, मतलब गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अगर मैं बात करूँ अदर पार्ट्स की, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कूलिंग फैन होता है, शाफ्ट होती है, ठीक है, एंड कवर होते हैं, स्टेटर फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर स्टेटर कोर को रखा जाता है, आई बोल्ट होता है ऊपर की तरफ, ये बेस है. ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ रोटर की. तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मेनली दो टाइप्स के रोटर काम में लिए जाते हैं. पहला है स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा है स्लिप रिंग रोटर. तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं. यहाँ पर ये जो संरचना जो कंस्ट्रक्शन दी हुई है वो है स्क्वायरल केज रोटर की. इसको स्क्वायरल केज रोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो गिलहरी के पिंजरे जैसी है, जैसी दिखती है, इसलिए इसको हम स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं. देखिए यहाँ पे, ये है एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के बार्स, ये सारे बार्स दो एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं. इसकी जो बनावट है वो गिलहरी के पिंजरे जैसी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायरल केज रोटर. ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्लिप रिंग रोटर की, तो स्लिप रिंग रोटर एक तरह से आर्मेचर जैसा होता है. उसमें थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है. वह वाइंडिंग हमेशा स्टार में की जाती है. ठीक है, और इसके जो तीन टर्मिनल निकलते हैं उनको स्लिप रिंग की सहायता से रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ाने के लिए ये रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं, प्रत्येक फेज में ये रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं. ठीक है, ये हो गई स्लिप रिंग रोटर की बात. तो चलिए हम बात करते हैं वर्किंग की. चलिए हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. यह है स्टेटर है, स्टेटर में थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो रही है. यहाँ पे ये रोटर है. ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप, यहाँ पे जो है ये एयर गैप है. ठीक है, स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है. तो चलिए देखते हैं, जब हम स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो वाइंडिंग में थ्री फेज करंट फ्लो होता है और RMF डेवलप होता है. RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, और वह सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है. जब मैं स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देता हूँ तो स्टेटर वाइंडिंग में RMF डेवलप होता है और वह सिंक्रोनस स्पीड पे गति करता है. जब ये RMF सिंक्रोनस गति पे घूमता है तो ये रोटर के बार्स को कट करता है.
और जब रोटर बार्स को कट करता है तो कट करने की वजह से इन बार्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, और उस ईएमएफ की वजह से इन बार्स में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और टॉर्क डेवलप होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लेंज ला ये जो रोटर है वो आरएमएफ की दिशा में घूमना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो रोटर है, लेंज का नियम ये कहता है कि कोई भी चीज़ उस चीज़ का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसमें जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है आरएमएफ की वजह से, तो इसका विरोध करने के लिए यह इसी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अपना रोटर घूमना शुरू हो जाता है। अगर ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड की गति पकड़ ले तो इनके बीच में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होगी, तो इन बार्स में जो ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा और करंट का मान भी जीरो हो जाएगा और इसमें जो टॉर्क डेवलप होगा वो भी जीरो हो जाएगा, अतः हमारा रोटर स्टैंड स्टिल अवस्था में आ जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा, घूमेगा नहीं। तो अपना जो रोटर है वो हमेशा आरएमएफ की जो स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, उससे हमेशा कम स्पीड पर ये घूमता है। ठीक है, तो ये होगी इसकी वर्किंग। थैंक यू।